गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 68 मेंस का एग्जाम एकदम सिर के ऊपर आ गया है ना। इस सेशन के तहत आपके ना सिर्फ टॉपिक कवर होंगे बल्कि आप अप्रोच कैसे करेंगे आगे, ये भी आपको एक रास्ता दिखेगा। साथ में ही जो कुछ गलतियां कर रहे हैं उसको भी रोकने के उपाय आपको नजर आ जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि अभी 68 का मेंस एकदम सिर के ऊपर आ गया है, तो हमें जो तैयारी करनी है उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट है, सब कुछ है, उसको हम कैसे इतनी जल्दी इफेक्टिव तरीके से कवर करें, क्योंकि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते। प्रैक्टिकली ये है कि अभी हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें वो सारी चीजें पढ़नी है जहां से सवाल आता है। तो आखिर हम आसानी से चीजों को कैसे कवर करें, स्लाइड को इग्नोर कीजिएगा, कैसे कवर करें, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अभी पहला टॉपिक है और अंतर कैसे, क्यों होता क्या है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जिस आंसर को तैयार करते हैं घर में वो सीधे जाके वहां पे डाल आते हैं। सवाल उठता है कि उस तरह के सवाल पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। यहां पे सवाल है स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, यानी प्री इंडिपेंडेंस जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी फीचर बतानी है, प्री इंडिपेंडेंस पहला। अब फीचर्स देखते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके सामने है और अभी की जो इकोनॉमी है दोनों में अंतर आ जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मैं इसको बहुत डिटेल में डील नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी ऐसे नोट करोगे ना तो आपके लिए एग्जाम में रिविजन करना आसान हो जाएगा, पॉइंट्स बहुत अधिक हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं किसी भी सवाल के अलग अलग पक्षों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, कम में ही उसको लिखने की कोशिश करते हैं। शब्द भले कम हो लेकिन पॉइंट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। पहला, प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अक्सर मतलब गांव ही था, भारत तो ऐसे भी कहा जाता है गांव का देश है, उस समय तो गांव ही गांव था। कृषि का पिछड़ापन, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी दोनों ही मामले में हम बहुत नीचे थे, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद में आता है ना, उसके पहले स्थिति काफी खराब थी, किसी तरह से सर्वाइव करते थे, अगर कहीं अकाल वकाल आ गया तो कहानी वैसे ही खत्म थी। औद्योगिक पिछड़ापन, अंग्रेजों ने कुछ तो छोड़ा नहीं था, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो बिल्कुल ना के बराबर था, आप इसको आराम से लिख लेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यातायात यानी जो लैक ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट के साधनों का अभाव, अभी हमारे पास क्या क्या है, मतलब रोड से जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं, एयर से जा सकते हैं, मेट्रो है, मोनो रेल है, मतलब क्या नहीं है। उस समय बैलगाड़ी अवेलेबल रिसोर्सेस के, अवेलेबल जो ट्रांसपोर्ट था आम लोगों के लिए वो था। संचार साधनों का अभाव, कम्युनिकेशन, अभी जिस तरह से कम्युनिकेशन की चीजें हैं वो कम्युनिकेशन उस समय हमारे पास अवेलेबल नहीं था, हो गया। दूसरा, फटाफट आइए, सरल जीवन लाइफ काफी सिंपल था और हमारी जो आवश्यकताएं थी वो काफी लिमिटेड थी, तो आवश्यकताएं लिमिटेड थी, लाइफ सिंपल था, एक स्मार्टफोन आया नहीं कि दूसरा आ जाता है, दूसरा आया नहीं कि तीसरा आ जाता है। अभी शायद एप्पल का 14 प्रो चल रहा है ना, मैक्स या कुछ ऐसे जैसे जो भी है, मुझे बहुत आइडिया नहीं है स्मार्टफोन का, तो ऐसे ही कुछ होगा। अब सवाल ये, इस तरह से चीजें बदल जाती है, अब बड़े बड़े हमें स्क्रीन चाहिए, एक घर है दूसरा चाहिए, एक गाड़ी है दूसरी चाहिए। इसके बाद प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, कंपटीशन कहीं ना कंपटीशन जो है यानी प्रतियोगिता है वो कहीं ना कहीं अनुपस्थित है। ये इसका कारण क्या था, लाइफ सिंपल था, हमें बस खा पी के आराम से एक छोटे से गांव में रहना है, अभी दुबई घूमने नहीं जाना, अमेरिका घूमने नहीं जाना, इधर उधर नहीं जाना, तो कंपटीशन था ही नहीं, कमाने का कुछ खास था ही नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जरूरत नहीं थी। कारण क्या था कि हम आत्मनिर्भर थे, अभी आएगा पॉइंट। महिलाओं की स्थिति, जो 50% आबादी है वो काम में नहीं लगी हुई थी, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था इकोनॉमिकली, वो पैसे कमाने में बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं था, स्थिति खराब थी। तकनीक का तो हम यूज ही नहीं करते थे ज्यादा, जो ट्रेडिशनल वे था एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, वही ट्रेडिशनल वे फॉलो हो रहा था, तो प्रोडक्शन कहां बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी कहां बढ़ेगी। बैंकिंग व्यवस्था ऐसी, कोई जो सरकारी बैंकिंग व्यवस्था थी वो इस लेवल पे नहीं थी कि वो, और इस इतनी बड़ी भी नहीं थी कि इन सबको वो सपोर्ट कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अभी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं,
इंफ्रा, ये आपका पूरा सेशन सीखने के लिए है, आगे आप अप्रोच कैसे करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, आधारभूत संरचना की बहुत कमी थी, रोड, रेल, बिजली, इन सब की काफी ज्यादा समस्या थी। और ये समस्या जब रहेगी तो फिर दिक्कत क्या है कि ना ही हेल्दी पॉपुलेशन होगा और ना ही वो काम के अंदर इतना इन्वॉल्व होगा, ना ही उस वहां पे इंडस्ट्री या इस तरह की चीजें डेवलप होगी। एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई उस लेवल पे तो था नहीं, मतलब जो एंशियंट टाइम में था वो तो समय था नहीं, काफी कम हो गया था, लोग पढ़ने लगे थे, अंग्रेजी शिक्षा लेने लगे थे, लिए आम लोग जो थे ना उसके अंदर ये चीजें नहीं थी। हम अभी आम लोगों की बात कर रहे हैं। यहां वाटर सिस्टम था, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, साइकिल वाला आया, सोन पापड़ी लेके, आइसक्रीम लेके, चावल दिए और ले लिए, तो ये वाटर सिस्टम बहुत समय तक चला। आत्मनिर्भरता का मतलब पता है, गांव जो था ना वो सेल्फ डिपेंडेंट था, कोई कुम्हार है, मोची है, माली है, खेत खेती करने वाले लोग हैं, जमींदार है, और ये सब मिलके एक ही गांव में सारा काम कर लेते थे, दूसरे की जरूरत नहीं थी, वहीं बेच लिया, वहीं खा लिया और वहीं रह गए, तो आत्मनिर्भर था, तो इनको ज्यादा कॉम्पिटिशन में जाने की जरूरत कहां थी। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज एडिक्वेट था, पर्याप्त मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज था, ये अलग बात था, उसका हम ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाते थे, नहीं कर पाते थे, ठीक है। इसके बाद सामाजिक और स्थानिक ढांचा का विद्यमान होना, यानी जो सोशल कस्टम थे, सोशल तरीके थे और उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे, उसने आगे बढ़ने में हमें कहीं ना कहीं रोका, हमें कहीं ना कहीं रोका, जैसे पर्दा पड़ता टाइप की चीजें। इसके अलावा ये रूढ़िवादिता के अंदर भी जाएगा। इसके अलावा हमारा धार्मिक ढांचा, भाग्यवादिता, भाग्य, ये धार्मिक ढांचा के अंदर आ जाएगा, यानी ये भाग्यवादी बना रहा था। रिलीजियसली दिक्कत क्या थी, कई सारे ऐसे टैलेंट थे जो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन रिलीजन और कास्ट के अकॉर्डिंग उनके कामों को डिवाइड कर दिया गया था, दिक्कत हो रही थी उनको दूसरे। आज जैसे एक चाय बनाने के लिए किसी भी क्लास का पर्सन अगर पटना में आके चाय बनाता है तो उनको पीने से किसी कोई गुरेज नहीं है, पता ही नहीं कौन बना रहा है, लेकिन गांव में बना दे सो कॉल्ड लोअर क्लास तो लगे अरे वो चाय बना रहा है, सबका भ्रष्ट करेगा लगता है ना। पॉलिटिकल ढांचा अनस्टेबल, निर्धनता अब बहुत बड़े लेवल पे, और रूढ़िवादिता जो कहे हमने आपको, रिस्ट्रिक्शंस थे। अब देखिए, अब यहां पे आपके लिए काम छोड़ा गया है, फटाफट मैं पढ़ता हूं। यहां पे देखो, एक तो है निर्धनता, सामाजिक और संस्थागत ढांचा, देखिए कैसे, आधारभूत संरचना की कमी, आत्मनिर्भरता, प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, सरल जीवन, तकनीकी पिछड़ापन, बैंकिंग व्यवस्था, और ये वाला पूरा का पूरा, इनको आप अपने घर में जहां पे आप हैं कॉपी उठाइएगा और उसको अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। क्यों इसको छोड़ा गया है, वो इसलिए छोड़ा गया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ पॉइंट्स होना काफी नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स होना काफी नहीं है, कौन पॉइंट ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा ये भी पता होना चाहिए। अगर सिर्फ पॉइंट्स ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी लिख दीजिएगा तो उसका वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसकी जितनी इज्जत है वो उसको मिलनी चाहिए। तो वो चीजें, इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। एक बार रूम में बैठे इसको देखिएगा तब आपको लगेगा कि इसको रीअरेंज करने की जरूरत है। उसमें सबसे बड़ा एक तो यहां पर प्रतियोगिता नहीं था, सिंपल लाइफ था, टेक्निकली हम फ्लॉप थे। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, क्या यहां होना चाहिए, कहां होना चाहिए, आप उसको वहां फिट कीजिएगा। दूसरा, दूसरी बात करते हैं अब हम, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता। अब इसके पहले क्या सवाल था, प्री इंडिपेंडेंस, हट गया ये वर्ड, ये हटते ही चीजें बदलेगी, हटते ही चीजें बदलेगी, सेम चीज नहीं रिपीट होगा, कुछ वहां से भी कैरी किया गया है वो भी आएगा, कुछ नई चीजें भी आएंगी। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया हमने, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया जो सोशलिज्म की तरफ, समाजवाद की तरफ झुका हुआ था। हमने प्लान्ड इकोनॉमी अपनाया, नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई, पहले 5 साल का और आज 15 साल का विजन अपनाया हमने। तो हमने प्लान्ड इकोनॉमी अपनाई क्योंकि प्लान्ड अपनानी इसलिए जरूरी थी, हमारे यहां रिसोर्सेज लिमिटेड थे, उस रिसोर्सेज का मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए प्लान तो करना पड़ेगा ना। हमारे यहां भी और आपके यहां भी जब पैसे आते हैं तो उस पैसे का कैसे कैसे खर्च करना प्लान करते हैं,
10 साल बाद कहां होंगे, 15 साल बाद कहां होंगे, ये प्लान किया जाता है ना, वो प्लानिंग है। यहां पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी हो रही है, तो दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, है ना, दो ऑप्शन है, दोनों में से किसी का। बचत और पूंजी निर्माण दरों में वृद्धि हुई, यानी सेविंग और सेविंग के साथ उस सेविंग का कैपिटल फॉर्मेशन में, सेविंग क्या होता है, हमने अपने पैसे को अगर गुल्लक में डाल दिया और उसी पैसे को हमने बैंक में डाल दिया, तो बैंक में अगर हमने डाला तो वो पैसा जो है ना सर्कुलेशन में आ जाएगा, वो पैसा अलग अलग जगह पे लोग बैंक के द्वारा दिया जाएगा, उससे इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट आएगा। लेकिन गुल्लक में डाल के रख दिया, फिर सेविंग तो खूब हो रही है, फायदा तो कुछ नहीं है, वो तो आपका पैसा स्टोर हो गया और वेस्ट भी हो रहा है, और बैंक में गया तो सर्कुलेशन में आया, तो अलग अलग जगह पे जहां पे कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत है, इंडस्ट्री ये सब, तो वहां पे इसका यूज हो जाएगा। ग्रोथ यानी वृद्धि की बात की गई है, इसके मतलब हमारी इकोनॉमी रन कर रही है, पहले से डेवलप, ये तो इसी के अंदर है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास स्टार्टिंग में सबसे अधिक अगर फोकस किया गया तो पब्लिक एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड तो जरूर थी लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ वो झुकी हुई थी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ झुकने के कारण हम क्या करते थे, हमारा जो था वो प्राइवेट पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर को भी पब्लिक में कन्वर्ट करने के, जिसको राष्ट्रीयकरण कहते हैं, खूब किया गया ना, इसके पीछे यही कारण था। दूसरा, बैंकिंग सुविधाओं का विकास हुआ, अब आजकल काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ बैंक का, और बैंक तक लोगों की पहुंच भी बनी है। मार्केट पहले नहीं था, पहले आत्मनिर्भरता थी ना, पहले वाले में लोग अपने आसपास के गांव में निपटा लेते थे मामला, अब पूरे वर्ल्ड में, यानी इंडियन मार्केट तो मजबूत हुआ ही, और वर्ल्ड लेवल पे हम मार्केट सिस्टम एक डेवलप हुआ जिसका यूज कोई भी कर सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप कह सकते हो कि नवीन टेक्नोलॉजी या न्यू टेक्नोलॉजी में का विकास हुआ या उसको अधिक से अधिक अपनाया गया, या तकनीक का कम यूज किया जा रहा है, ये भी। एग्रीकल्चर पे निर्भरता आज भी है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी अभी हम एग्रीकल्चर पे अच्छा खासा डिपेंडेंसी, लगभग 18% के आसपास जीडीपी में योगदान हो जाता है इसका। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का सापेक्षिक रूप से, यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम है ना, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ कम है जितना होना चाहिए, और देशों से कंपेयर करेंगे तो हमारे यहां कम है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर अचानक से बूम कर गया, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड इस सेंस में कि उनको इंग्लिश बोलने आता था और नहीं कोई, यानी इंग्लिश बोलने वाले जो पॉपुलेशन थी अंग्रेज के कारण हमारे पास अधिक थी, जिसके कारण अचानक से जो थर्ड सेक्टर है ना वो बूम कर गया। अब अमेरिका में कॉल सेंटर की जगह इंडिया में डाल देते, इंग्लिश ही तो बोलना है, इंडिया वाले सस्ते में बोल लेंगे, तो ये चीजें हुई। आधारभूत संरचना का विकास, रेल रोड बिजली पानी सब कुछ बना, तो जो जहां बना वहां डेवलपमेंट आया। उसी तरह से 8 आधारभूत उद्योग है ना, सीमेंट इलेक्ट्रिसिटी पेट्रोलियम ये सब, तो उनका भी विकास काफी ज्यादा हुआ। इनको आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं कि और इंडस्ट्री के लिए इसकी जरूरत होती है, आयरन की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, पेट्रोलियम की जरूरत है, तो इसके लिए इसको कहा जाता है। उसका भी डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं, ये अभी भी शिकायत है, आप कर सकते हो कि हमारे पास जो रिसोर्स है जब वो वेस्टेज में ज्यादा चला जाता है, अभी हमारे पास कई सारे ऐसे रिसोर्स है जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, निकाला ही नहीं गया है, तो वो मिसयूज बहुत सारे थे, मिसयूज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसके अलावा मूल्य अस्थिरता, यानी जो प्राइस है वो अनस्टेबल है, बढ़ गया घट गया बढ़ गया घट गया, ये चीजें चलती रहती है। इसके अलावा धन का असमान वितरण, आप सोच देखिए कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं, या असमानता, अभी हमारे यहां कुछ लोगों के हाथ में बहुत पैसे हैं, कुछ लोगों के हाथ में पैसे बहुत कम है। प्राथमिक व्यावसायिक ढांचा उत्पादनशील, इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब यह है जो प्राइमरी हमारा स्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी ढांचा है, वहां से हमें वो प्रोडक्शन करता है और वहां से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो हम वहीं पर रुक जाते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विस, तो वहां से ही हम प्रोडक्शन करते हैं और हमें इनकम आना शुरू हो जाता है, तो प्राथमिक जो व्यवसाय है हमारा वो उत्पादनशील है। जनसंख्या का इकोनॉमी पे बहुत अधिक प्रेशर है, ये इकोनॉमी का जीडीपी कितना भी बढ़ जाए, पर कैपिटा इनकम कितना ही बढ़ जाए, उससे ज्यादा तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है,
तो पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ी जाएगा और दूसरी तरफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है इतनी तेजी से, तो कैसे सबको नौकरी और कैसे सबको खाना या सारी सुविधाएं दे पाएगा, एक बार सोचिए। बेरोजगारी और अल्प रोजगार विद्यमान है, बेरोजगारी और अल्प रोजगार विद्यमान है, बताने की जरूरत तो नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें, इसके अलावा पूंजी का अभाव, ऑब्वियसली अभी कैपिटल सेविंग काफी कम, सेविंग तो हो ही रही है लेकिन हम फिजूल खर्ची ज्यादा कर रहे हैं, वो सेविंग हम बैंकिंग सेक्टर के अंदर लगाएं, उसको बचा के रखिए, कम हो रहा है जिससे कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रहा है। औसत दर्जे की मानव पूंजी यानी स्किल्ड ह्यूमन बींग जो हमारे यहां है भी, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे औसत हो जाता है, और वैसे हमारे यहां सेमी स्किल्ड ही अधिक है, फुल्ली स्किल्ड लेबर या जो रिसोर्सेज है वो काफी कम है। जीवन स्तर पैसे ही कम है तो क्या होगा, जीवन स्तर क्या हो सकता है। तो ये हो गया आपका, तो अब चेंजेस हुए ना, वो प्री इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बाद की चीजें बदली, सेम पॉइंट लिखोगे नंबर कैसे मिलेगा। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, अरेंज करने का चीज अभी भी हमने छोड़ रखा है आपको, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। यहां सवाल क्या है, पहले सवाल है कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री के बीच में आपको अंतर बताना है और इसके इंपॉर्टेंस और इसकी समस्या बतानी है, कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री के बीच में, क्योंकि अब आपके सवाल शॉर्ट भी हो गए हैं, छोटे भी सवाल हो गए हैं, इतना भी पूछा जा सकता है, क्लियरिटी चाहिए। ये तो नहीं वहां पे आपसे कंसीडर किया जाएगा कि अच्छा पहली बार हमने सिलेबस लॉन्च किया है तो दिक्कत हो सकता है स्टूडेंट को, तो चलो नहीं भी जानते तो उनका नंबर दे, ऐसा तो होगा नहीं, जब तक अच्छा लिखोगे नहीं नंबर मिलेगा नहीं। तो सब देखिए, अब कॉटेज इंडस्ट्री और सवाल क्या है, अब यहां पे आप इसको बहुत ज्यादा डिफाइन करने लगेंगे, अलग अलग लोगों ने क्या कहा वो लिखेंगे, वो आपसे नहीं मांग रहा, सीधा मांग रहा है कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस क्या है। कॉटेज इंडस्ट्री सामान्यतः घरों में ही इसको स्थापित किया जा सकता है, सामान्यतः कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर फैमिली मेंबर ही फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कम पैसे में कॉटेज इंडस्ट्री स्थापित होती है क्योंकि मजदूर भी नहीं रखना और बहुत मशीन भी नहीं लगाना, पूंजी की व्यवस्था और वो जो कम पैसा है वो लोग अपने से अरेंज कर लेते हैं, आसपास से उधार मांग के काम चल जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर या बहुत इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, कच्चे माल रॉ मेटेरियल के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, लोकल रिसोर्सेज से ही उनका रॉ मेटेरियल का काम खत्म हो जाता है, और स्थानीय आधुनिक मशीन का अत्याधुनिक मशीन की जरूरत नहीं, कहीं कहीं मशीन की जरूरत पड़ती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मशीनीकरण चाहिए, तो इसके कारण कम पैसे में मजदूर भी नहीं चाहिए तभी पैसा कम लगा, तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी की भी वैसा कुछ नहीं है, सेमी स्किल्ड लेबर नॉन स्किल्ड भी चलेंगे यहां पे, तो इनसे काम चल जाएगा। दूसरा स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि इसको घर के अंदर आप नहीं लगा सकते, इसके लिए आपका घर जो भी है उसके बगल में आपको कोई नहीं, कहीं ना कहीं आपको जगह लेना पड़ेगा, तो थोड़ा बड़ा होता है, अकेले नहीं होगा ना ही फैमिली मेंबर से होगा, आपको लेबर रखना ही पड़ेगा, जब आप इतना कर रहे हो लैंड रेंट पे ले रहे हैं, लेबर रख रहे हैं, इवन मशीन भी आपको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी आपको चाहिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेगा, कच्चे माल आपको लोकल लेवल पे और दूर के एरिया से भी मंगवाना पड़ेगा, तो जब इतना काम कर रहे हैं तो जो पैसा है वो अपने से तो आप खर्च नहीं कर सकते, आपको इसके लिए कहीं ना कहीं से कैपिटल चाहिए, वो बैंक हो कोई और हो फिनांसर वो जो भी हो, आपको पैसे चाहिए यानी बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। दोनों में डिफरेंस पकड़ लिया ना आपने, ये बस मैंने चूंकि कॉटेज इंडस्ट्री को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसलिए पॉइंट मैंने डाल दिया है। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, गांव की कॉटेज इंडस्ट्री जैसे मिल्क इंडस्ट्री, दूध उद्योग, पोल्ट्री फार्मिंग, बास्केट कोई अगर बना रहा है, फिश फार्मिंग कर रहा है तो टोकरी बनाना, मछली पालना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब उसके अंदर चला जाएगा। अर्बन कॉटेज यानी शहरी उद्योग में साबुन अगर कोई बना रहा है, फर्नीचर बना रहा है, पत्थर की मूर्ति बना रहा है, हैंडलूम का काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, शहरी के अंदर चला जाएगा। तो इसको अभी हटाते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस है ना, महत्व है ना, चलो क्या इंपॉर्टेंस है दोनों का कंबाइंड, रोजगार में वृद्धि क्योंकि यहां टेक्नोलॉजी का कम यूज हो रहा है, हैंड का यूज ज्यादा हो रहा है, तो कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्री की जगह ये लेबर बेस्ड इंडस्ट्री है, कम पैसे में अधिक रोजगार मिल रहा है, पैसा कम पैसे में आप इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हो या स्मॉल इंडस्ट्री हो,
और कहा जाता है बड़ी इंडस्ट्री के तुलना में बहुत कम पैसे में बहुत लोगों को रोजगार देने की क्षमता ये रखता है। इंडियन इकोनॉमी के अनुकूल पैसा बहुत कम है हम लोग के पास, तो जब हमारे पास पैसे बहुत कम है, गांव के अंदर लोग रहते हैं, गरीब हैं, लाइफस्टाइल कम है, तो वैसी स्थिति में सस्ते उद्योग ही चलेंगे, चलाया जा सकता है। देश का संतुलित और समावेशी विकास, कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर खासियत है कि ये अलग अलग जगह स्प्रेड हो सकता है, वहां के लोकल रिसोर्सेज का यूज कर सकता है, वो नेचुरल हो या ह्यूमन बींग का हो, तो उसके कारण क्या होगा, हर जगह पैसे आ जाएंगे, हर जगह चीजें मतलब लाइफस्टाइल बदलेगा, बैलेंस डेवलपमेंट देश का होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां के संसाधन का ऑप्टिमम यूज होगा, ये हो सकता है। तो आय का समान वितरण हो जाएगा ना, जितना हो सकता है ये तो हो सकता है, हो जाएगा। कृषि पे अब लोग कॉटेज इंडस्ट्री पे भी जाएंगे, स्मॉल इंडस्ट्री पे भी जाएंगे, तो एग्रीकल्चर पे लोड कमेगा, जो अप्रत्यक्ष बेरोजगारी है वो यहां कमेगा। औद्योगिक समस्या से मुक्ति, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के साथ बड़े बड़े नियम होते हैं, लेबर लॉ ये वो फलाना ढिमा का लाइसेंसिंग, तो वो सब यहां पे ऑलमोस्ट कम हो जाता है। तो वो जो समस्याएं हैं हड़ताल तालाबंदी टाइप की, वो क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री में तो घर के लोग क्या हड़ताल करेंगे और तालाबंदी करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री में आसपास के लोग होते हैं तो वो भी क्या लड़ेंगे और तालाबंदी करेंगे, म्यूचुअल कंसर्न से काम चल जाता है। तकनीक कम तकनीक का भी ज्ञान है तब भी उनका काम चलेगा। आयात पर निर्भरता कम होती है, मतलब अगर ये लोग प्रोडक्शन बहुत अधिक करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधारने में मदद मिलती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट हम सेल करेंगे, इनके प्रोडक्ट से हमारा जरूरी का सामान यूज हो जाता है, जरूरी जो है वो जरूरी की चीजें पूर्ति होती है, तो हम उतना इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, तो 30% के आसपास तो एमएसएमआई का योगदान है, एमई का जो योगदान है वो 30% के आसपास है हमारे एक्सपोर्ट में। आप सोचिए कितना बड़ा रोल है इनका। उसके अलावा शीघ्र उत्पादन, आज लगाया कल से शुरू, परसों लगाया अगले दिन से शुरू, यानी 3-4 दिनों में हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बेरोजगारी दूर हो रही है तो गरीबी तो दूर हो ही जाएगी, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। इसके ये तो बड़े, जब बड़ा आंसर लिखने के लिए आएगा तब आप लिखेंगे, छोटा अगर आ गया तब फिर क्या कैसे करोगे, क्योंकि छोटा भी आ सकता है। तो यहां पे आप तर्क दे सकते हैं किस चीज का, कि क्यों होना चाहिए, रोजगार से संबंधित तर्क दे सकते हैं, आर्थिक समानता यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी से संबंधित तर्क दे सकते हैं, समावेशी विकास से संबंधित तर्क दे सकते हैं, विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के संदर्भ में आप तर्क दे सकते हैं, वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल के संबंध में आप तर्क दे सकते हैं, कलात्मक वस्तुएं आप देखते होंगे कि कई सारे मतलब एकदम डिजाइनदार हथियार, बर्तन, इन सबको, कपड़े, इन सबको ये लोग बनाते हैं, पेंटिंग, तो वो चीजें की उसकी कीमत बहुत अधिक होती है, तो इन सब के आधार पर हम इसको इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। तो ये आप ये इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। अब सवाल है समस्याएं क्या है। देखिए इनका जो मेन समस्या है वो कैपिटल का अभाव है, क्योंकि कैपिटल का अभाव इस सेंस में कि टाइम पे इनको पैसा बैंकिंग सिस्टम इन सबसे नहीं मिल पाता है, अगर महाजन के चक्कर में तो फायदा नहीं है। फिर उत्पादन के लिए जो इनका तरीका है वो मैच्योर नहीं है, अविकसित टाइप की तरीके के तरीके हैं। तीसरा है कच्चे माल की समस्या, समस्या जो है वो कच्चे माल की काफी है। चौथा संगठित बाजार, जो ऑर्गेनाइज मार्केट होना चाहिए जहां इनके प्रोडक्ट आसानी से बिक जाए, उसकी समस्या है। बड़ी इंडस्ट्री के साथ कॉम्पिटिशन, प्रोडक्ट काफी सस्ती होती है उनकी, फिनिशिंग काफी अच्छा होता है, तो कोई सस्ता ही लेना चाहेगा, पैसा इतना तो है नहीं लोगों के पास, तो वहां पे ये मार खा जा रहे हैं। संस्थागत वित्त फाइनेंशियल सिस्टम जो है सरकारी, उससे कनेक्ट नहीं हो पाना या उससे फायदा टाइम पे नहीं मिल पाना। अच्छा वो एक रिपीट हो गया, सॉरी। एक यहां पे है स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक प्रॉब्लम है। मतलब यहां क्या होता है, कुछ ऐसी कॉटेज इंडस्ट्री है जो मान लो बहुत अच्छे क्वालिटी का खाने का सामान बना रही है, या और कुछ खराब, तो अच्छा और खराब के बीच में उसको स्टैंडर्ड देना, कोई स्किल लेबर है कोई नहीं है तो उसको उस लेवल पे स्टैंडर्ड देना, ये नहीं हो पा रहा है, ये एक बहुत बड़ी कमी है। ठीक है, अकुशल श्रमिक एक समस्या है, स्किल नहीं है बहुत ज्यादा। उसके बाद टैक्सेस अलग अलग तरह के इंपोज किए जाते हैं उनके इनके इनकम पे, अब बेचारे वैसे ही छोटे हैं, टैक्स डाल दोगे तो क्या होगा, इतने मैच्योर तो होते नहीं, वो कहीं से ट्रेनिंग करके तो आते नहीं कि कंपनी कैसे चलेगी, तो कुशल प्रबंधन का अभाव होता है। तो ऐसे करके आप
जो है पॉइंट्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज हमने जो डील किया, एक तो प्री इंडिपेंडेंस, उसके बाद नॉर्मल इंडियन इकोनॉमी की विशेषता, कॉटेज इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री में अंतर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, समस्याएं क्या है, है ना। तो यहां से अब इसके अंदर पॉइंट्स आपको भरने हैं। मैं यहां पे डील करने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको इसको रीअरेंज करना है, यहां के पॉइंट्स को, ये आपका काम है। इधर तो रीअरेंज ही है, बट वैसे आपको रीअरेंज करना है कौन कहां जाएगा, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, इसके अलावा बाकी सब ठीक है। और इसके अंदर दो दो लाइन भर देना है डाटा के साथ, आपका बढ़िया आंसर तैयार हो जाएगा और कोई इसको काट नहीं सकता है। होपफुली कि समझ रहे होंगे चीजों को। मिलते हैं अगले वीडियो में।